सभी को नमस्कार। मेरा क्लास में सभी को स्वागत है। प्रीवियस इन्फॉर्मेटिव क्लास में आपको फ्लूट के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूट कैसे मेंटेन करना है ये सब कुछ बता चुका है मैंने। अभी कमेंट्स में मुझे ये मिल रहा है कि ट्यूटोरियल स्टार्ट करो करके। मैंने ट्यूटोरियल ऑलरेडी क्लास में प्रीवियस क्लास में मैंने जो बता चुका है ऑलरेडी, वीडियोस आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वीडियो मिल जाएगा, मगर शायद हो सकता है वो दूसरा लैंग्वेज में हो। तो स्टार्टिंग से अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, मगर इस जो क्लास का कंटेंट है वो शायद चार क्लास में कवर करने वाला कंटेंट मैं आपको इस क्लास में दूंगा। तो इसको प्रॉपरली देख के, प्रॉपरली एनालाइज करके, प्रॉपरली वॉच करके उसको प्रैक्टिस करते रहना। इस क्लास में हम बताने वाला चीज़ है, एक तो कैसे फ्लूट को हैंडल करते हैं, कैसे जो उसको हैंडल होते हैं जब प्ले करते हैं कैसे हैंडल होते हैं। नेक्स्ट सरगम क्या है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं सरगम पदनी सा। उसके बाद मा टू पा ट्रांसिशन, मा टू पा ट्रांसिशन वो एक डिफिकल्ट ये है क्योंकि ऑक्टेव चेंज होता है, तो मा टू पा ट्रांसिशन में थोड़ा ब्लोइंग स्किल आपको यूज़ करना पड़ेगा और फिंगर जो मूवमेंट है जल्दी चेंज करना पड़ेगा। ये ट्रांसिशन हम सीखेंगे। फिर अलंकार सीखेंगे, अलंकार में आपका फिंगर मूवमेंट स्पीड अप करने के लिए अलंकार यूज होते हैं। इस क्लास के बाद हम ऑर्नामेंटेशन एंड आगे नोटेशंस वगैरह आ जाएंगे। चलो पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं फ्लूट कैसे प्रॉपर हैंडल करते हैं, कैसे जो है प्ले करते थे पकड़ते हैं, कैसे ग्रिप, कैसे हम होल्ड करते हैं उसको। मैं एक लेफ्ट हैंड फ्लूटर हूँ, तो मेरा जो एक्सेस है फ्लूट का जो डायरेक्शन लेफ्ट हैंड में चलता है, और मेरा जो दाहिने हाथ का तीन अंगुली जो है लास्ट पोर्शन लास्ट थ्री होल को कवर करते हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपका थंब नीचे होना चाहिए, और उसके बाद फर्स्ट थंब इधर प्रेस होगा नीचे में, और उसके बाद तीन अंगुली ऊपर हो गया, फिर जो लिटिल फिंगर नीचे होगा ये होगा फर्स्ट। सेकेंडली सेम आपका जो है तीन अंगुली नेक्स्ट में होगा, थंब नीचे, एंड इस कंडीशन में जो है नीचे नहीं रख सकते इसको, जो लिटिल फिंगर को ऊपर, क्योंकि लिटिल फिंगर को इसलिए ऊपर करते हैं अगर माँ जो है ये होल्ड भी आपको यूज करना है तो इधर से डायरेक्ट आप इधर लेके आ सकते हैं। अभी मैं जो है फ्लूट का जो है पदनिशा सरिगम पदनिशा कैसे बजाता है आप देखिए। जब माँ बजाते हैं तो उसको फुल जो फ्लूट को फ्री करना पड़ता है, तो ग्रिप पूरा जो है आपका लिप में और थंब एंड इसमें आ जाता है, मगर फ्लूट कहीं गिरेगा नहीं। आपका थंब में, लिटिल फिंगर में एंड आपका लिप के ऊपर ग्रिप आ जाता है माँ, तीव्र माँ। अगर शुद्धमा है तो एक अंगुली आपको इधर रख के शुद्धमा जो है बजाने के लिए सपोर्ट मिल जाता है। ये शुद्धमा है, तीव्रमा ये पूरा उड़ा। तो जब तीव्रमा किसी राग में या किसी सॉन्ग में बजाते हैं तो आपको बाकी सब कुछ फ्री करके आपको फ्लूट को फ्री करना पड़ेगा, ओनली लिटिल फिंगर दो थंब, लिटिल फिंगर दो थंब एंड लिप में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपको तीव्रमा बजा सकते हैं। ये आपको जो है ग्रेजुअली करना पड़ेगा, पहले पहले जो है आप स्किड हो सकते हैं या स्लिप हो सकते हैं, मगर जब ग्रिप धीरे धीरे आ जाएगी इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आ जाएगी। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है कि एटलीस्ट एक घंटा डेली आपको देना पड़ेगा बिगिनर्स है, तो अगर इंटरमीडिएट वगैरह है उन लोग को ऑलरेडी जानते होंगे तो उन लोग आगे का क्लास में उन लोग को और फायदा हो जाएंगे। अभी सरगम कैसे बजाते हैं, ये आपका मैंने पहले बता दिया कि आपका जो फ्लूट में मंत्र सप्तक का पदनी, मध्य सप्तक का सरिगमा पदनी एंड तारा सप्तक का सरिगमा पा, इतना स्वर अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करेंगे नीचे ऑक्टेव पदरी से स्टार्ट करेंगे।
सनी सारी गमा पादनी। तो मैं इसमें शुद्ध मा लिया है, शुद्ध मा। अभी बिगिनर्स के लिए शुद्ध मा थोड़ा डिफिकल्ट है, मगर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। शुद्ध मा जो है, जो मा है उसका 5 to 10% आप जो ओपन करोगे, ये तीव्र मा हो गया, ये तीव्र मा हो गया, इसका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुद्ध मा के लिए लास्ट होल का जो है थोड़ा 10 to 15% ओपन करने से शुद्ध मा मिलता है, वो ईयर आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो सरगम दोबारा, पदनी सरिगम पदनी सरिगम पा। तो ये है सरगम। ये अभी नीचे से जो आपको प्ले करके ऊपर तक आके फिर ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा। इसमें क्या है, जब ऑक्टेव चेंज होते हैं, ये इधर तक शुद्ध मा तक जो फर्स्ट ऑक्टेव है, फर्स्ट जो है 6th होल एंड जहां होते हैं उधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम पिच में आपको मिल जाएगा। जब ये मा से इधर आते हैं नेक्स्ट, तो इसमें आपका ब्लोइंग का जो पावर है, उसका जो इंटेंसिटी है, प्रेशर जो देते हैं, वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्टेव चेंज हो गया, पिच चेंज हो गया, सब तक चेंज हो गया, तो आपको उसमें प्रेशर देना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट जो है ऑक्टेव आएगी। जब तार सप्तक का पा में कंप्लीट थोड़ा फुल फोर्स में बचाने से आपको जो है पा मिल जाएगी। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मध्य सप्तक का सरिगामा कंप्लीट। ये है सा, मध्य सप्तक का सा इधर से स्टार्ट होता है। सरिगामा पदनी सा, सरिदापा मगरी सा। तो इसमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको, 128 BPM जो उसका जो रिदम के मुताबिक धीरे धीरे, पहले जो है धीरे धीरे, फिर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो स्पीड है आपको ग्रेजुअली आपको बढ़ेंगे, जल्दी नहीं हो सकते है। तो प्रैक्टिस करने से ही आपका जो है आ जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं जो अभी इस वीडियो का जो कंटेंट है, 4-5 लेसन का जो है वीडियो कंटेंट ही बताने वाला हूँ, तो ये आपको ग्रेजुअली बढ़ाना पड़ेगा, इसका फिंगर जो मूवमेंट्स है एंड ब्लोइंग स्किल है, ये ग्रेजुअली इसलिए बढ़ाना पड़ेगा, एकदम जो बिगिनर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, एकदम ये ग्रिप बनाना भी बड़े मुश्किल है। तो इसके लिए पहले ग्रिप का मैंने बता दिया, क्या उसका एक एक चीज़ ध्यान में रखने वाला, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, आपका ग्रिप कैसे बनते हैं, हर एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यही ऐसे ही ग्रिप बनते हैं, माँ बजाते टाइम जो है कैसे फ्री जो लिप के साथ जो उसको ग्रिप बना के कैसे उसको फ्लूट को फ्री करके तीव्र वा बजा सकते हैं, ये तो प्रैक्टिस एटलीस्ट 1-2 महीना प्रैक्टिस करने से ही आ जाता है बिगिनर्स को। तो ये प्रैक्टिस कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल सरगम एंड ये हैंडलिंग एंड ये तीव्र मा बजाने का ये तरीका, ये पूरा प्रैक्टिस कीजिए। ये है सरगम का। नेक्स्ट सरगम जब आप प्रैक्टिस कर लिया, एक आएंगे मा टू पा ट्रांसिशन, ये तीव्र मा से जब पा में आते हैं तीव्रमा ये है। दो तरीके से हम जो मा से पा ट्रांसिशन लेके आ सकते हैं, एक तो देखिए आप पूरा बंद करके ब्लोइंग प्रेशर देने से आपका नेक्स्ट सरिगमा पा आते हैं, दूसरा तरीका पूरा
पूरा बंद करके ये माँ का होल्ड छोड़ने से भी आपका प आ जाता है, सेम साउंड सेम है। देखिए आप, मगर क्लैरिटी इसमें मिलेगा, ये इस पोजीशन में आपको क्लैरिटी एंड आपका जो कंफर्टेबल पा बजाने में इसमें मिलेगा। इससे अच्छा ये दो तरीके का जो दो तरीके से पा बजा सकता है, मा पा, तो ये इस तरीके से एक हो गया। दूसरा तरीका मा, ये एक होल्ड ये माँ का अगर छोड़ दिया, बाकी पूरा बंद कर दिया, तब भी ये मध्य सप्तक का पा बता रहा हूँ मैं, मध्य सप्तक का मा टू पा ट्रांसिशन। अभी देखिए, हम देखते हैं, देखिए ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करिए, ताकि पता ना चले माँ और पा में ट्रांसिशन होते हैं तो उसमें जो बाकी स्वर का आवाज नहीं आना चाहिए, जैसे होते हैं ना दो साउंड आ रहे हैं उसमें, वो मंत्र सप्तक का पा भी आते हैं और उसके बाद मध्य सप्तक का पा आते हैं, वो नहीं आना चाहिए। ये इसमें मध्य सप्तक का ही पा आते हैं, तो इसलिए ये प्रैक्टिस कीजिए। सरी गा मा पा, तो ये ट्रांसिशन मध्य सप्तक का, मध्य सप्तक का माँ से पा हो गया। अभी जब आप तार सप्तक का माँ से पा कैसे करेंगे, तार सप्तक का ये हो गया सरगम मध्य सप्तक का, ये पदनी मध्य सप्तक का कदम हो गया। अभी नेक्स्ट तार सप्तक का सा, तार सप्तक का तार सप्तक का जो है पा बजाने के लिए डिफरेंट टेक्निक है। तार सप्तक का पा कैसे बजाएंगे, आप बंद करके नहीं, आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, इसमें डिफरेंट जो है मध्य सप्तक का भी पा आ रहे, मंत्र सप्तक का भी हो सकते आएंगे, तार सप्तक का भी हो जाएगी, हो सकते आ जाएंगे, इसमें क्लैरिटी नहीं मिलेगा आपको। आपको इसमें क्लैरिटी मिलने के लिए, तार सप्तक का पा का क्लैरिटी मिलने के लिए आपको एक ही तरीका है, ये देखिए, इसका मतलब ये जो है दो बाकी सब को खोल के ये जो सा और री, सा री, ये दो जो है माँ को छोड़ के बाकी दो बाकी सबको खोल के ये दो बंद करने से आपको तार सप्तक का पा, मगर ब्लोइंग प्रेशर भी आपको उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी कंप्लीट मेरा सरगम देखिए कैसे मैं बजा रहा हूं, एक और बार ये देखिए, ट्रांसिशन जब मध्य सप्तक का माँ से पा का ट्रांसिशन होते हैं तो ऊपर का माँ का जो है अंगुली आप हटा के बचाइए, ये मध्य सप्तक का है। तार सप्तक के लिए आप दो ये जो है अंगुली, ये दो अंगुली रख के आप ब्लोइंग प्रेशर थोड़ा तीव्र करेंगे तो तार सप्तक का बचेंगे। तो ग्रेजुअली जब मंत्र सप्तक का ब्लोइंग प्रेशर कम, जब ऑक्टेव चेंज होता है, मध्य सप्तक का थोड़ा और, तार सप्तक का हाईएस्ट ब्लोइंग, दैट पावर इंटेंसिटी आपको देना ही पड़ेगा, वो प्रैक्टिस करने से ही आ जाता है। तो ये है
सरगम एंड माटुपा ट्रांसिशन, ये प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। हर एक नोट में आ जाते हैं हाईएस्ट नोट एंड हर एक सॉन्ग में आ जाते हैं हाईएस्ट नोट एंड लोएस्ट नोट, कभी कभी लेना पड़ता है, तो ये प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलंकार। अलंकार वो होते हैं कुछ नोट्स का कॉम्बिनेशन, वो आपका जो है फिंगर मूवमेंट बढ़ाने के लिए काम आते हैं। दो नोट का, एक नोट का कंटिन्यूस, वो सरगम हो गया, सरिगम पदनिसा, वो आगे पीछे उसका स्पीड बढ़ा के प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट होते हैं दो का जो सरी री गा गा मा मा पा, वो मैं अभी दिखाता हूँ। सरिगमा ये हो गया, इतना स्पीड जो है धीरे धीरे आपको आएगी। नेक्स्ट आपका आएगी, आप जब अलंकार प्रैक्टिस करते हैं पा से नीचे, नीचे का जो पा से स्टार्ट कीजिए। अभी दो होड़ का कैसे, दो दो स्वर का अलंकार कैसे होता है, बना सकते हैं। दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, उसका आरोहण एंड अवरोहण। आरोहण मींस मंत्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, और अवरोहण मींस तार सप्तक, मध्य सप्तक, मंत्र सप्तक। अभी मैं स्लो में एक अलंकार आपको बचा के दिखाता हूं। अलंकार आप खुद बना सकते हैं, दो स्वर का, तीन स्वर का, जो दो स्वर का होगा नेक्स्ट स्वर से स्टार्ट होगा, कोई भी कितना भी स्वर हो, अगर सा री गामा एक फोर स्वर का जो है एक अलंकार बजा रहे हो, तो सा री गामा, री गा मा पा, मतलब रा से स्टार्ट होगा नेक्स्ट, एक 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 इससे चार 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 आगे जाएंगे। तो देखिए दो तीन नोट का पदनी दनिसा, भी स्लो हो गया, इसको धीरे 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 स्पीड अप करना है। दो स्वर का हो या तीन स्वर का हो, चार स्वर का है, इसको आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप तभी आपका फिंगर मूवमेंट्स ज्यादा होंगे, जब फिंगर मूवमेंट ज्यादा, जब कंफर्टेबल होगा तभी आपको सॉन्ग्स एंड राग का जो है डिफरेंट मोड में आप नोटेशन फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का जो बेसिक लेसन, ये इन डिटेल लेने से तीन चार क्लास का हो गया, मगर कंसेप्ट आपको पता चल गया, मैं समझ रहा हूँ कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इस क्लास में आपको डाउट है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में आके आपका जो डाउट मुझे बताइए, मेरे से जितना हो सकते है मैं आपको क्लियर करके या नेक्स्ट क्लास में नोट करके क्लियर करके आप बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है, और मेरा जो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए एंड बेल आइकॉन प्रेस करने के लिए भूलिए मत। एंड सभी को वंस अगेन नमस्कार एंड थैंक यू।